थर्ड क्वेश्चन है सीडीपी का 2023 का जो सीटेट का एग्जाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पीछे दो क्वेश्चन करके आए हैं वैगास्तकी और पियाजे का, वही कंसेप्ट अप्लाई यहां होगा राइट आंसर को ढूंढने के लिए। फर्स्ट है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वह संज्ञात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं रखता, वो रखते हैं क्योंकि मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की पियाजे बार बार बात करते हैं। दैट इज वाई ये वाला रॉन्ग हो गया। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर। अब ये इसके बिल्कुल उल्ट है, ये एक नुक्ता है कि दो ऑप्शन अगर एक दूसरे के विपरीत है, उल्टी हैं, तो राइट आंसर उसमें छुपा होता है। लेकिन हम गैसवर्क से नहीं, लॉजिकल रीजनिंग से उसको सॉल्व करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं हम। ये है कि वह संज्ञात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। सो ये राइट होने की संभावना सबसे अधिक हो गई है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, लर्निंग इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस फंडामेंटल एक्चुअली अजम्पशंस है साइकोलॉजी की। दैट इज वाई हर थ्योरी एक्सप्लेन करेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो ये हो ही नहीं सकता कि पियाजे इतने ग्रेट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ना करें। इट ओवर एम्फेसाइज, हिंदी में है संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं को, है ना, ये अंडरलाइन कर दिया। इट ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज की बात किसने की थी, ओवर एम्फेसाइज, उन्होंने एम्फेसिस ही नहीं ज्यादा दिया तो ओवर एम्फेसाइज कहां से आ गया, अत्यधिक बल, है ना। तो ये वाली बात गलत होगी। अब देखते हैं कि राइट आंसर कैसे ढूंढना है। पिछले जो कंसेप्ट डिस्कस करके आए हैं उसी को रिपीट करेंगे ये, क्योंकि आपके बेसिक थोड़े क्लियर करने हैं। ये हमने बात की थी कि लर्नर है और लर्नर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल बॉल है, बॉल से खेलता है, इंटरेक्ट करता है ना। तो इस इंटरेक्शन में वो एनवायरनमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्कैमा में रखने लगता है कि बॉल ऐसे जंप करती है, बॉल ऐसे आवाज करती है, है ना, ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, यहां पर पियाजे है, क्योंकि पियाजे ने की कंट्रीब्यूशन क्या थी कि उसने कहा था चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर, है ना। तो एक्टिव है कैसे होगा, एनवायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन करता है। तो वाइगोस्की ने एक चीज प्लस कर दी, वो हम येलो कलर करके कर रहे हैं कि ये पियाजे ये नहीं है कि जीरो कर देता है, लेकिन इंटरेक्शन को एम्फेसाइज नहीं करता। जैसे ये बॉल है, मोबाइल है, कोई ऑपरेटर्स है, कुछ भी टॉय है, ये प्रोवाइड किसने करना है, ये अडल्ट ने ही करना है। लेकिन वाइगोस्की, वी वाई गॉट स्काई, है ना, वाइगोस्की क्या करते हैं, वाइगोस्की ये कहते हैं कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके रिगार्डिंग इन दोनों में भी एक इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि हम पीछे बात कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन कहलाता है सोशल, जो कहलाता है इंटरेक्शन, और जो बेस्ड है लैंग्वेज पर, लैंग्वेज पर, है ना। और कल्चरल टूल की बात की है उन्होंने, कल्चरल टूल्स, यहाँ टूल्स लंबा करके लिख दिया, यहाँ टूल्स की डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब वाइगोस्की पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये फंडामेंटल्स हैं। तो पियाजे ने येलो वाला सब कुछ इग्नोर किया, यही लिमिटेशन उनकी बन रही है, क्योंकि सोशल फैसिलिटेशन से ये टीचर एज ए फैसिलिटेटर जब काम कर रहा है, हिंट दे रहा है, फोकस करने को कह रहा है, उसकी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा है कि कहाँ ध्यान दिया जा सकता है, उसकी एरर कहाँ हो सकती है, करना सारा कुछ डूअर यही रहेगा। ये बात दोनों में सेम है कि डूअर करने वाला यही रहेगा, लर्नर ही रहेगा, लेकिन ये कल्चरल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर किया पियाजे ने, ये उनकी लिमिटेशन बन गई। ये उत्तर है यहाँ पर ये वाला। तो दोनों को ऐसे कंपेयर आप कर सकते हो, ब्रीफ में ये बेस बन सकता है, फर्दर थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। इट डज नॉट अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल, और ये बात करके आए हैं कि वाइगोस्की की जब भी थ्योरी आती है सोशियो कल्चरल एंड लैंग्वेज, है ना, तो इसको
ऐसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जब जहाँ पर सोशल है, इंटरेक्शन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, ये सारी बातें एक दूसरे से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है एवरी ईयर लता एक क्लास सेवन्थ टीचर्स इनवाइट फीमेल मैथ प्रोफेसर। मैं अंडरलाइन को कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मेन मुद्दा है इसमें जो राइट और रॉन्ग कर सकता है, और ये क्रिटिकल क्वेश्चन है ये रहा कि प्रोफेसर फीमेल है मैथ टीचर और मेल नर्स है ना, तो ये क्या है कि नॉर्मली ये बायस्ड प्रिजुडिस और ये जो जनरलाइजेशन, रॉन्ग जनरलाइजेशन है सोसाइटी की, उनको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। हमने एसोसिएट किया हुआ है, जब बच्चा मेल पैदा होता है तो उसके कपड़े ब्लू कलर के ही खरीदते हैं, है ना, तो बेबी गर्ल पैदा होती है तो पिंक, मूवी भी बनी है उस पर पिंक, है ना, एसोसिएशन हमने कर दी। इवन अमेरिका जैसे देशों में भी ये स्टीरियोटाइपिंग है, हम बच्ची को कहते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ये काम तूने करना है, किचन का काम तूने करना है, वगैरह वगैरह, और बॉय को कहते हैं ये वाले काम, घर वाले, बाहर वाले, जो बाहर वाले काम है वो तो रहे। हीरो आपने फिल्म में देखा होगा, नॉर्मल ट्रेडिशनल फिल्म में मेल जो सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है फीमेल को और फाइट करता है मेल, है ना। तो अब जो चैलेंज न्यू मॉडर्नाइजेशन है, वहां पर फीमेल भी मेल को प्रोटेक्ट करती है, फीमेल भी फाइट करती है, फीमेल भी वो रोल अदा करती है जो ट्रेडिशन में मेल अदा करते थे। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज करने की बात है। तो एक स्टीरियोटाइपिंग ये है कि मेडिकल प्रोफेशन इंडिया में, वैसे रशिया में मेडिकल प्रोफेशन में 70-75% फीमेल है, इंडिया में ये है कि मेल नर्स मेल ही होता है, है ना, सॉरी फीमेल होती है, नर्स को हमने सिस्टर एसोसिएट करते हैं, फिर देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ नर्सेज हमने फीमेल ही देखी हैं। इसको ऐसे बोर्ड पर जाके समझ लेते हैं, ये यहाँ पर जाके, हाँ मान लीजिए ये नर्स है, ऐसे इसको लंबे से बना लेते हैं नर्स। नॉर्मल जो स्टीरियोटाइपिंग है उसके मुताबिक फीमेल के लिए सूटेबल प्रोफेशन नर्स है, और मैथ्स, ये अजम्पशन है, अजम्पशन नहीं, ये स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग जब कहते हैं इट मींस के ये बायस्ड है, ये इरेशनल है, जो बॉयज ही मैथ्स में बेटर होते हैं, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। इस स्टीरियोटाइपिंग को, इस इरेशनल बिलीफ को तोड़ने के लिए टीचर ओपोजिट मॉडलिंग करता है। मॉडलिंग क्या है, जिसको हम देखते हैं और कॉपी करते हैं। तो जब नर्सेज हमेशा ही प्राइमरी टीचर हमेशा ही हमें फीमेल ज्यादा मिलती हैं ना, तो बच्चा उसको ही अज्यूम कर लेता है कि नर्स और प्राइमरी टीचर का जो प्रोफेशन है वो फीमेल के लिए है, ऐसे डॉक्टर मेल के लिए है, पर्सनल पीए जो होती हैं वो फीमेल के लिए हैं, ऐसे प्रोफेशन की डिवीजन की हुई है। तो एजुकेशनिस्ट का काम है, टीचर का काम है, इन जो स्टीरियोटाइपिंग है इनको तोड़ना है, इरेशनल बिलीफ है, इरेशनल से इर को रिमूव करना है। वो कैसे होगा, मॉडलिंग से। मॉडलिंग ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन मॉडल अब डिफरेंट ओपोजिट पेश किए जाएंगे। अब जो नर्स है वो मेल टीचर पेश किया जाएगा, और मैथ टीचर जो है फीमेल पेश की जाएगी, जैसे फिल्मों के पीछे बात करके आए हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं अब इनको देख रहे हैं, दोनों को इनवाइट किया है, कैरियर की बात कर रहे हैं, तो ये देख, इनसे डिस्कशन भी करते हैं, इनके प्रोफेशन की करेंगे कि प्रॉब्लम नहीं आती, कैसे चैलेंजेस है, एंजॉय करते हो वगैरह वगैरह। तो दूसरा मॉडल सामने है, इससे इनका इरेशनल बिलीफ जो है वो थ्रेट होता है और टूटता है, इनकी इरेशनल थिंकिंग बायसनेस जो सोसाइटी की इन्होंने ली हुई है वो तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होगा, ये भी सोच सकते हैं कि मैं मेल हूं और मैं नर्स बन सकता हूं, मैं फीमेल हूं, मैं मैथ टीचर हाँ बन सकती हूं। तो एक अच्छे टीचर की ये निशानी है जो इसमें दी गई है। एवरी ईयर लता इज ए गुड टीचर, इट मीन्स ए क्लास सेवन्थ इनवाइट्स द फीमेल मैथ प्रोफेसर, एंड प्रोफेसर है, टीचर भी नहीं, क्योंकि स्कूल में तो मैथ टीचर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप अभी भी
जो ये स्टीरियोटाइपिंग स्कूलों में भी काम करी है, तो ये उन्होंने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बुलाया है, नर्स बुलाई है, तो डिस्कशन करते हैं। अब दूसरा है कि ये तो अगर वो अच्छा टीचर है तो ये अजम्पशन ठीक है, अगर वो अच्छा ट्रेडिशनल टीचर है तो ये अजम्पशन गलत होगी। जेंडर रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्या इसके कारण जेंडर डिफरेंस आर इननेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। इननेट मीन बाय बर्थ है, जीन्स में से ही आते हैं, अगर जीन्स में से आते हैं तो ये हम ऐसे कपड़े, मैं ऐसे कपड़े ही क्यों पहनता, मैं घघरा क्यों नहीं पहन लेता, है ना, मैं साड़ी क्यों नहीं लगा लेता, क्योंकि साड़ी जो है फीमेल के लिए सूट की हुई है और कुछ कपड़े फीमेल के लिए, कुछ मेल के लिए सोसाइटी ने एसोसिएट किए हुए हैं। ये सारा ही जेंडर को क्या क्या कहा गया जाता है जब डिफाइन करते हैं, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, चलो रिसर्च की ये भाषा है, यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ सकते हो। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, मीन सोसाइटी डिजाइन करती है हमारा जेंडर। सेक्स जो है, सेक्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो जीन्स डिसाइड करते हैं, वो हेरिडिटी डिजाइन करती है, वो पहले से ही फिक्स है, उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जेंडर को आप चेंज कर सकते हो, आप मेल को फीमेल वाले रोल सिखा सकते हो, है ना, आप मेल की को शादी करके फीमेल के घर भिजवा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, फीमेल की शादी करके उसको मेल के, हाँ होना तो ऐसे चाहिए कि मेल को भी मतलब शादी के बाद फीमेल के घर वैसे ही रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल में फीमेल की कदर इंडिया में कम से कम बढ़ जाएगी। तो ये चैलेंजेस होने चाहिए, तो इस टीचर ने ऐसा ही किया है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अगर इननेट होती तो वो सोशल मॉडल क्यों पेश करता, इननेट नहीं है, तो ये बिल्कुल रीजनिंग जो है गलत हो गई। रीजनिंग भी गलत है और ये जो इसका रीजन इससे एसोसिएटेड भी नहीं है और रीजन अपने आप में भी गलत है। इट मींस हम पहले को ठीक मान के चल सकते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू नो, बोथ ए एंड आर ट्रू नो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसको राइट लेके चलेंगे। यहां पर और करेक्शन कर लेनी चाहिए इनको कि जेंडर डिफरेंस आर नॉट इननेट, सेक्स डिफरेंस आर इननेट, है ना। जेंडर वर्ड जब भी आता है तो सोसाइटी ही साथ में जुड़ेगा, क्योंकि ये रेयरिंग के साथ पालना जो करते हैं उसके साथ ही ये बदलता है। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू हमने क्यों समझा, क्योंकि ये प्रोजेक्टिव है, प्रोजेक्टिव, आपकी असेसमेंट हो रही है, आप यहां खड़े हो, है ना, आपको ये स्टेटमेंट दी गई। अगर आपके मन में स्टीरियोटाइपिंग है जेंडर बायस के, मैथ वाला जो है मेल ही होगा और नर्स जो है फीमेल होगी, आपके माइंड में अगर ऐसा है तो आपको ये लगेगा सही, सॉरी आपको ये लगेगा कि गलत, नहीं मेल नर्स नहीं हो सकती, फीमेल मैथ प्रोफेसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके माइंड में स्टीरियोटाइपिंग है, इरेशनल बिलीफ है। अगर आप इससे उल्ट हो, आप जेंडर बायस या स्टीरियोटाइपिंग में विश्वास नहीं रखते, जेंडर न्यूट्रल माइंड है आपका, तो आप इस जो उल्टी एग्जाम्पल है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, आप प्रोजेक्टिव क्या होती है, जो आपके माइंड में है ऐसी स्टेटमेंट दी कि वो बाहर निकल के बाहर आ जाए, इसलिए क्यों ये चेक करने के लिए कि आप अच्छे टीचर हो और जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से मुक्त हो, इसलिए ये स्टेटमेंट दी गई है। दैट इज वाई साइकोलॉजिकल इट इज बेटर स्टेटमेंट। तो ए को हम ट्रू इसलिए मान के चल रहे हैं, बट रीजनिंग फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डेवलप करने के लिए बार बार जोर दिया गया है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, निम्नलिखित कौन सा बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, हाउ मैनी, तो ये हम थोड़ा सा पहले समझ लें यहाँ पर जाके के रचनात्मक चिंतन और वो क्या होता है क्रिएटिविटी। एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग है जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, यहाँ प्रॉब्लम ऐसे लिख दिया तो आपको विभिन्न दिशाओं में सोचना पड़ेगा, नया सोल्यूशन और नया सोल्यूशन और तरफ का सोल्यूशन, न्यू आइडिया, ऐसे विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आप एनालिसिस करते हो,
एनालिसिस करते हो, है ना, इवेलुएट करते हो, इवेलुएट करते हो, आप रिसर्च डाटा कलेक्ट करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, आप देखते हो साइंटिफिक जो है वो रिसर्च ने क्या कहा है, आप ये देखते हो कि आपके एक्सपीरियंस से वो चीज़ मैच कर रही है, ये सारा कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पैनल ही लेना था, है ना, तो पैनल लेते वक्त मैंने देखा कि एक ये व्यूसोनिक का और दूसरा पैनल जो एलजी का है, है ना, मैक्स हब का है, उसमें कंपैरिजन किसी ने किया हुआ है, मैं उसको एवेल्युएट करता हूँ। मैं रिव्यूअर जो है, आपने एक होटल भी लेना है, मोबाइल लेना है, आप रिव्यूअर देखते हो, उसके रिव्यू कैसे हैं, आप उसको कंपेयर करते हो, कंपैरिजन चार्ट देखते हो, जो मोबाइल है उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी की तरफ से उसको एनालाइज करते हो, जो जरूरत है एनालाइज करके इवेल्युएट करते, गुड बैड और एवरेज निकालते हो, गुड को आप बजट देखते हो, बैटरी बैकअप, ये सारा कुछ क्रिटिकल एवेल्युएशन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी स्टेट्स, हाउ मैनी कैपिटल्स आर देयर इन योर कंट्री। तो जब एक बेस्ट आंसर क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए तो कितनी है, मान लीजिए स्टेट्स, मान लीजिए कि 28 स्टेट्स हैं, है ना, तो ये इस 28 ही रहेगी, सभी को इधर की तरफ सोचना पड़ेगा। ये मैं इधर आगे ले जाके आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आप ये 28 है, सभी माइंड को अब इस पर ही फोकस करना है, बेस्ट आंसर पर, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दैट इज़ वाई ये डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग की एग्जाम्पल है, जो बेस्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन मैप, है ना, इंडिया है, तो बेस्ट आंसर नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट। एक तरफ सभी को बेस्ट आंसर के लिए सोचना पड़ता है, वेयर डज वाटर कम्स फ्रॉम इन योर सिटी, है ना, कहाँ से आता है, एक सोर्स होगा, है ना, तो बेस्ट आंसर यहाँ से आता है। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई, ये दो बातें इन्होंने कर दी, एक तो बेस्ट वे, इट मीन्स बेटर वे भी हैं, इट मीन्स गुड वे भी हैं, इट मीन्स बैड वे भी हैं, इट मीन वर्स्ट वे भी हैं, कितने वेज हैं, इट मीन्स आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करके जब आप गुड बेटर बेस्ट करते हो, ये होगी इवेल्युएशन, आपने कर ली इवेल्युएशन करके आपने एक बेस्ट निकाला कि ये कारण है वाई, ये कारण है जिसके कारण इसको हम बेस्ट कह सकते हैं कि वाटर ऐसे सेव हो सकता है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट वे में सोच रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, जब ये एनालिसिस इवेल्युएशन कर रहे हैं, एविडेंस देखते हैं, रिसर्च डाटा ऐसा कंपेयर करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग है। दैट इज वाई फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल्स, हिंदी में है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए समावेशी शिक्षा यहां दिल से होती है, जब आपका मन करता है ना, मैं उस क्लास में जाऊं, मैं उस घर में जाऊं, उन रिश्तेदारों से मिलने जाऊं, मैं उनसे बात करूं, इट मीन्स वो आपको इंक्लूड कर रहे हैं यहां से। जब आपका मन कर रहा है कि यार नहीं नहीं वहां नहीं जाना, नहीं वहां मेरा जी नहीं करता, इट मीन्स एक्सक्लूसिव है, वो आपको शामिल नहीं करते, वो आपका वेलकम नहीं करते, वो आपको जो है आप रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे ही समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिस स्कूल कॉलेज और क्लास में बच्चे को वेलकम किया जाता है, उसको समान समझा जाता है, उसको प्रमोट किया, हेल्प की जाती है, उसको कोऑपरेशन से चला जाता है, तो वहां पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन है। यहां पर नैरो मीनिंग, शायद कौन सा मीनिंग दे लेते हैं, इसमें से बेस्ट निकालते हैं, प्रोविजन ऑफ ओनली, अभी ये मैंने ओनली पर अटैक किया कि ये गड़बड़ होगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो टैग वर्ड वाली वीडियो है उसमें मैंने दिया है कि टैग वर्ड ओनली आया तो आपने एकदम से कर देना है। दूसरा है कि इन्होंने एक कैटेगरी को शामिल किया है और एक ही वर्ड जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ऑल आर वेलकम, सभी तरह से आपका वेलकम है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी, वो टैग वर्ड वाली वीडियो में बताया कि जहां फ्लेक्सिबिलिटी आया वहां अटैक करो कि ये राइट आंसर हो सकता है। अब सोचना है कि इन करिकुलम, यस चेंज कर सकते हैं ना करिकुलम को थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कोई बहुत है बच्चे की आंखें काम नहीं करती है ना, तो उसको असाइनमेंट लंबी है ना, उसकी असाइनमेंट छोटी करती, उसी असाइनमेंट का ढंग बदल दिया, वो उससे ऑरल जैसे
जैसे ईशान को तारे जमीन पर वो लिख नहीं पाता है ना, पढ़ नहीं पाता, तो उसको कहा कि ऑडियो बुक का यूज करें, यहाँ लगाओ और सुनो, है ना, तो ये रीड नहीं कर पाता। अच्छा, तो करिकुलम है एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजी की बेसिक अजम्पशन, व्यक्तिगत अंतरों को ये भी अटैक करने वाला, बिल्कुल टिक लगाना है यहाँ पर, इसको रीजनिंग से फिर सोचना है कि ये ठीक हो सकता है, परिणाम स्वरूप पाठ्य चर्चा लचीलापन, ये दो बातें हैं जो इसको बेस्ट आंसर बना रही हैं, लेकिन सेग्रीगेशन हमेशा ही गलत, स्टैंडर्ड शब्द हमेशा ही गलत, तो वेरी इजी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है अभी भी देख लो आ रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस इज इररेलेवेंट इन, नो, देखिए मैंने अभी बात की है कि क्रिटिकल थिंकिंग में आप मान लीजिए मोबाइल खरीदना है, आप मोबाइल के लिए जिस मान लीजिए आप वन प्लस का मोबाइल लेने लगे हो, तो आपके एक फ्रेंड के पास वन प्लस का वही मॉडल है, आप उससे पूछते हो कि ये कैसा चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये फीचर काम करे वगैरह वगैरह, तो एविडेंस उसके पास है, आप कंपनी के फीचर उसको पढ़ते हैं, आप डीलर्स के साथ जाके बात करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, मुझे करके बताओ, मुझे डेमो दो, तो वो एविडेंस ही तो सारे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस ये नहीं है कि एविडेंस के बिना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती, एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड, नहीं, ये दोनों ही है ना, नेगेटिव 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 हो गए, एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट, एक्सेप्ट करना विदाउट एनालिसिस, नहीं विद एनालिसिस, इतनी बात हो जाती तो ये ठीक हो जाना था, एनालिसिस से शुरू होना है काम, क्रिटिकल थिंकिंग है, एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, है ना, दिस इज फोर्थ इज बेस्ट आंसर, क्रिटिकल थिंकिंग के पीछे बात करके आए हैं। ये रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, जीन पियाजे एंड लेव विगोत्स्की डिफर इन देयर परस्पेक्टिव, अजर्शन है, कथन है, है ये अभी कथन यहाँ लिखा है, ओके, जीन पियाजे एंड लेव विगोत्स्की डिफर इन देयर परस्पेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, हाँ ये बात करके आए हैं, क्या बात की थी हमने कि वाइगोत्स्की जो है वो सोशल, ये फिगर ये बनाई थी, ये इसकी थी, ये इसका इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन आ गया, सोशल आ गया, है ना, कल्चर आ गया, ओके, लैंग्वेज आ गई, तो लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनमें से दी गई है वाइगोत्स्की ने, तो पियाजे ने उतनी नहीं दी, तो इसको ठीक मान लिया हमने। इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ, तो अब यहाँ पर क्या है रीजन, इन डिस्कवरी लर्निंग, है ना, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में डिस्कवरी लर्निंग बार बार यूज किया जाता है कि बच्चा खुद आइडियाज को सॉल्यूशंस को डिस्कवर करता है, वो रेडीमेड, जैसे आप रेडीमेड सूट लेते हो वैसे नहीं, आप खुद सूट लेते हो, सिलवाते हो अपने मनपसंद का, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती है, डिस्कवरी में खुद डिस्कवर करता है, है ना। टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, हाँ अपॉर्चुनिटी टीचर देता है, ठीक है, स्टूडेंट ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ, इसको क्लियर करने के लिए, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं 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 जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, तो ये भी ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग में ऐसा ही होता है, जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एजुकेशन या करिकुलम सब कुछ ये कह देते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इनका संबंध कोई बन रहा है कि ये दोनों ही डिस्कवरी लर्निंग के हैं, ये बात सही है, कंस्ट्रक्टिविज्म के हैं पियाजे भी और वाइगोत्स्की भी, लेकिन इनके साथ इनका रिलेशन कहीं दिखाई नहीं देता, तो हम इसको चूज करेंगे बोथ, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, हाँ, लेकिन आर और रीजनिंग इसका संबंध नहीं है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसको ठीक लेके हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजर्शन है, अभिकथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नता मौजूद होती है, बिल्कुल होती है, इन कंसिडरेबल, एक्सेसिव टर्म नहीं है, वेरिएशन डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट, कोई तेज बढ़ता है, किसी की हाइट किसी की धीरे बढ़ती है, ये फर्क हो सकता है,
रेट इन चिल्ड्रन। अच्छा, जहाँ माल न्यूट्रिशन है वहाँ पर वेट और हाइट बच्चों की धीरे बढ़ती है, ये फैक्ट है, है ना। जीन्स भी जो है, जेनेटिक हेरिडिटी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है, इंट्रैक्शन होता है, तो ये ठीक है। रीज़न, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इन वाइटेबल रिजल्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन। सिंपल बात है, जेनेटिक आ गई तो ये आ गया हेरिडिटी, जिसको नेचर भी हम नेचर भी बोलते हैं, और एक्सपीरियंशियल वेरिएशन जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसको नर्चर पालना, एनवायरनमेंट देना, जो उसको बुक्स कैसी मिलती हैं, टॉयज कैसे मिलते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, प्यार कितना मिलता है, इमोशंस कैसे मिलते हैं, तो ये सारा कुछ है ना, तो ये वेरिएशन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इनवाइटेबल, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, विकासात्मक अंतर अनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, हेरिडिटी ये बताया था, इनटू एनवायरनमेंट, और ये डेवलपमेंट पर इसका जो असर होता है, बिल्कुल ठीक। तो सिंपल, वेरी क्लियर है ये कि एनवायरनमेंट, माल न्यूट्रिशन है, बच्चों को खुराक कम मिल रही है, दो दो तीन तीन दिन रोटी नहीं मिल रही, रोटी मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं है, B12 नहीं मिल रहा, D3 नहीं मिल रहा, ये तो पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा इंडिया की को, तो ये 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 नेचुरली है ना कि ये रेट, डेवलपमेंटल रेट को ये चीज़ कम कर देगी, इस रेट को कम कर देगी, यहाँ आ गया। अगर ये ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे मिल रहे हैं, रिच फैमिली में हैं, सुबह कोई नारियल पानी मिल रहा है, जूस मिल रहा है, ऐसा सब कुछ मिल रहा है, तो बच्चे का रेट नेचुरली है बढ़ेगा, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रही है। कौन सा आंसर सही लगाएंगे हम, आर भी ठीक है, बोथ ए आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ये मेरे लॉजिक के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आपने थिंकिंग की एग्जाम्पल लेनी है, कॉग्निटिव एग्जाम्पल की जो है देखना है उसको, तो आप ये देखिए कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हुए हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसर देते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, जिनको ऐसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उनका जो रेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो बेटर होगा, है ना। जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा, स्लम में है, उनका लो होगा, तो ये इसकी एग्जैक्ट जो है रीजनिंग लिंक जो है बनता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बन रही है। सिबलिंग रिलेशनशिप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ओनली पर शक कीजिए, इसको सर्कल कीजिए, और ओनली इन अर्ली लाइफ, ये क्यों अभी आपके भाई बहन काम नहीं आते, इस वक्त नहीं आते, आ रहे हैं, बिल्कुल ये रॉन्ग हो गया। डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, हाय भाई बहन का तो रोल जो है, सिबलिंग का, बहन बहन का, भाई भाई का, है ना, तो ये भी गलत हो गया। आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। अब ये देखिए, सिमिलर ये कर दिया कि ये पेरेंट्स के इक्वल हैं। अच्छा, जब आप ये बताना कि जब आपके पेरेंट्स घर से बाहर जाते थे तो आप इंजॉय नहीं करते थे, लेकिन जो ब्रदर सिस्टर बाहर जाते हैं तो इंजॉय नहीं, वो उनके साथ इंजॉय करते हैं, इट मींस ये तो गलत हो गया ना, कि पेरेंट्स के इक्वल सिमिलर रिलेशनशिप नहीं है। पेरेंट्स अथॉरिटी है, पेरेंट्स पनिशमेंट भी करते हैं, पेरेंट्स फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, फिर जो है रोक टोक लगाते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। फोर्थ देखते हैं, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, यस उनसे डिफरेंट है। एंड पीयर एंड पेयर प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट लाइफ, इसको फोर्थ को हम राइट आंसर लेके चल रहे हैं। थैंक यू, अगले पार्ट में करते हैं बाकी क्वेश्चन। इसको यही समझना है, ये पीटेट सीटेट की आपकी तैयारी चल रही है, शुरू हो गई है, ठीक है, थैंक यू।